Sikkim Chief Secretary VV Pathak informed that as many as nine lives have been lost in the state in the last three days due to rains and landslides. Speaking exclusively to Northeast Live, Chief Secretary Pathak also said that around 1,200 tourists are still stranded in Lachung in North Sikkim. natural calamity. एक तो नामची डिस्ट्रिक्ट के यांगसांग यांगयांग सब डिवीज़न में एक डिजास्टर हुआ नेचुरल कैलामिटी हुई थी लैंडस्लाइड हुई थी जिसमें तीन लोग हताहत हुए हैं और उसी तरह अभी कल तेरह तारीख की रात में मतलब तो बारह तारीख और तेरह तारीख की इंटरविनिंग नाइट में मंगन डिस्ट्रिक्ट में भी एक नेचुरल कैलामिटी हुआ लैंडस्लाइड हुई जिसमें पाक्षेप और अम्बिथांग दो मतलब तो बैडली अफेक्टेड हमारे गांव हैं जहाँ पे छः लोगों की मृत्यु हुई है कुछ लोग घायल भी हैं घायलों का इलाज हो रहा है और सिक्किम सरकार की तरफ से जो भी ग्रेचुअ ग्रेचुअस रिलीफ होता है वो मृतकों के परिवार को दी जा रही है और जो गंभीर रूप से घायल हैं या जो जिनको थोड़ी कम चोटाई है उनको स्थानीय अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है टोटल टोटल नामची और मंगन डिस्ट्रिक्ट में ला टोटल नौ लोगों की अभी तक मृत्यु हो गई है रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ कठिनाई हो रही है नहीं रेस्क्यू में जंगू में कोई ऐसी वो नहीं है कि किसी कोई हताहत है या किसी के घर हैं वहाँ रोड बंद हैं तो वो कम्युनिकेशन रोड कम्युनिकेशन डिस्टर्ब है तो जोंगो एरिया कट ऑफ है अभी बट और कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो हमारी जो मैंने बताया कि पाकश्यप और अम्बे थांग में ही सारी प्रॉब्लम थी वहाँ पर रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन कल से ही चालू है और रिलीफ कैंप भी एक पाकश में शुरू किया गया है अभी जो लाचुंग में हमारे टूरिस्ट जो गए हुए थे लगभग ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि लगभग 12 से 14 सौ लोग फंसे हो सकते हैं अभी रोड कम्युनिकेशन हमें रिस्टोर करने में क्योंकि बहुत जगह लैंडस्लाइड है और छः सात जगहों पे फॉर्मेशन भी ब्रिज हो गया है तो रोड कम्युनिकेशन हमें रिस्टोर करने में पाँच से सात दिन का वक्त लग जाएगा तो हम लोगों ने अभी सिक्किम सरकार की तरफ से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए रिक्विजिशन भेज दिया है और जैसे ही वेदर मतलब फ्लाइंग कंडीशन के लिए सुटेबल हो जाता है हम टूरिस्टों का इवेक्शन वहाँ से शुरू करेंगे प्री मॉनसून भी बहुत जोरदार बारिश हुई है मंगन में ये क्लाउड बर्स्ट ही था मतलब बहुत तेज़ी से छोटे छोटे थोड़े समय में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम की बारिश हुई उसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ हाँ उसके लिए भी आज चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में भी चर्चा हुई क्योंकि तिस्ता में काफ़ी सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है जिसके कारण रिवर बेड ऊंचा हो गया है तो इसके कारण फ्लो भी थोड़ी सी बारिश में भी ऊपर आ रहा है तो उसके लिए कंसर्नड जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे हम टेकअप कर रहे हैं